नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश देवांगन, मोहक फैशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको आज एक खुशखबरी देने वाला हूं, जो काम मैंने अपने पिछले चैनल ब्लाउज मास्टर में नहीं किया था वो इस चैनल पे करने जा रहा हूं। वो ये काम करने जा रहा हूं कि मैं आज सलवार सूट की कटिंग अपने दिमाग अपने बुद्धि के हिसाब से 28 से लेकर 46 तक की आपको बताऊंगा। इसमें आपको हाई नेक, बोट नेक, ओपन नेक, एक मेजरमेंट का तीनों फॉर्मेट बताते हुए चलूंगा, ताकि आपको इस कटिंग को पूरा सीख सके। और प्लीज सजेस्ट, अगर पूरा आपको कटिंग सीखना है सलवार सूट का, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें, और बने रहिए हमारे साथ जब तक कि हम इसको, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है जब तक कि हम आपको पूरा सलवार सूट का कटिंग ना बताएं। शुरू करने हैं इस सलवार सूट कोचिंग क्लास का पहला कटिंग क्लास, सॉरी कोचिंग बोलूंगा तो कटिंग क्लास का पहला वीडियो है ये। इसमें मैं लंबाई ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लंबाई यार फुल फेस में आती है और मोबाइल से कैप्चर करना उसको मुश्किल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटा साइज का ले रहे हैं, 30 इंच है ना, 30 इंच इसकी लंबाई है, 27 इंच है अपर चेस्ट, फुल बस्ट है 28 इंच, 23 इंच कमर, 30 इंच हिप्स, 14 इंच है इसका शोल्डर, और 13.5 इंच है इसका मुंह, मतलब आर्म होल है ना। और बस्ट पॉइंट है वो आएगा इसका 8.5 इंच। 8.5 इंच क्यों लिया है मैंने, एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली बार, पहला क्लास में आपको हाई नेक यानी कि जो गला बंद गला का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आप कम से कम 8.5 इंच का ये होगा क्या कहते हैं बस्ट पॉइंट ले रहे हैं। सवाल की, हालांकि इसमें बस्ट पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ है ना। और 6.8 इंच ये है क्रॉस बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको लिख लीजिए, 27 इंच अपर चेस्ट है तो 6.1 मतलब ये क्या है, 6 इंच में 1 पॉइंट अधिक है, 28 होगा तो फिर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 29 होगा फिर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते पॉइंट 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 ये बढ़ते चले जाएगा। तो चलिए अब इसको कटिंग स्टार्ट करते हैं हम हाई नेक में। तो हम कपड़ा ले रहे हैं, इस कपड़ों को जैसे जितनी आवश्यकता है उतना ही लिया मैंने भी कपड़ा, इसको हमने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। अब इसको भी हम पहले बैक साइड की मार्जिन करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड की करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने कपड़ा इस प्रकार से मोड़ा है, ये हमने मोड़ लिया कपड़ा। चलिए सबसे पहला काम हम करेंगे, ऊपर की तरफ से आएंगे नीचे की तरफ। सबसे पहले एक सीधी लाइन इस प्रकार से आप खींच लें, ताकि इससे हमें पूरा मार्जिन खींचना पड़े। कभी भी आप जब सिलाई या कटिंग जब आप करते हैं है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें जो सिलाई का दाब रहता है उसके लिए हमें जो ओरिजिनल नाप से, जैसे 30 इंच है तो जिधर भी हम सिलाई लगाएंगे उस सिलाई दाब के लिए हमें हमेशा, चाहे ब्लाउज हो चाहे किसी भी चीज़ हो, उसके लिए हमें अलग से कपड़ा लेना पड़ता है ना। तो चलिए यहाँ से तो हो गया, अब क्या करेंगे, वैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे नहीं हाई नेक ब्लाउज कॉलर या ब्लाउज की तरह इसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लंबाई के लिए करेंगे, तो 1 इंच का हम मार्जिन, 1 इंच का मार्जिन हम इस प्रकार से ले लेते हैं पहले, सबसे पहला काम है ना। शुरू से लेंगे हम निशान को, ये देखिए ऐसे लेंगे। अब आपको बता रहा हूँ 30 इंच जब चेस्ट होता है, 30 इंच तक के हाई नेक के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, अपर चेस्ट का है ना, अगर है अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट का चौथा पार्ट, ये अपर चेस्ट का चौथा पार्ट 27 इंच इसका अपर चेस्ट है, तो इसका चौथा पार्ट होगा 7.25 इंच। इस पर आप बेझिझक मार्जिन कर दीजिए, अगर क्या बोलते हैं सलवार सूट या ब्लाउज हाई नेक हो तब है ना। तो इस प्रकार से हमने चौथे पार्ट में मार्किंग किया। अब इसके बाद करेंगे समथिंग, ये चेस्ट जो रहता है उसका आधा वैसे तो होता है, 28 इंच इसका चेस्ट है तो उसका आधा, मतलब 27 इंच का इसका चेस्ट है 13.5, ये 13.5 इंच इसका आधा लगभग कमर आता है ना, इसका लॉजिक रहता है। लेकिन जब साइज बहुत बढ़ जाता है तो ये लॉजिक फेल हो जाता है, इसलिए इस लॉजिक को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो बच्चे जो चाइल्ड है, जब कहने में टीनेजर से किशोर है, मतलब इस टाइप से एक लिए काफ़ी कारगर है, मगर जब शरीर बढ़ जाता है मोटे हो जाते हैं, कारण क्या है, शरीर का जो मोटापा होता है ना, शरीर का जो मोटापा होता है वो कितना हो सकता है किसी का ये नहीं रहता, हाइट तो समान नहीं रहती, लेकिन सामान्य जो रहता है उसमें अगर इसमें करेंगे तो परफेक्ट आता है ये है ना। तो यहाँ पर हम इसको सीधी सी कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा पतली दुबली है तो हम 14 इंच पर इसकी मार्किंग कर देंगे, और थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो 15 इंच पर करेंगे, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको।
अब इसके बाद मार्किंग करेंगे हम, ये 14 इंच है कमर के लिए। अब उसके बाद हम मार्किंग करेंगे लगभग समथिंग 22 इंच पर, इसको मार्किंग कर दिया होगा हिप्स का। अब ये होता है हमारा कमर, मैंने सॉरी फुल लंबाई, फुल लंबाई को मैंने ज़्यादा लिया नहीं है वैसे, आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है। ये 30 इंच का फुल लंबाई, लेकिन हमने बताया ना अभी आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ऊपर दबाने के लिए करते हैं, इसलिए आधा इंच इसको हम बढ़ा देंगे। और इसके बाद एक समथिंग 1 इंच का हम ये बढ़ाते हैं, वो हो गया। इस प्रकार से सभी मार्जिन हम खींच लेंगे। ये इसको खींचते हैं पहला ये। अब देखो जिसमें आप जो ये है, वैसे आपको बता देता हूँ, ये आप अपने हिसाब से रहता है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो इस हिसाब से उसको रखा जाता है। इस एक्चुअली में इसको रखने का सबसे बड़ा ये रहता है, जैसे यहाँ पर हिप्स जो रहता है ना, मतलब ये चेस्ट से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है ना, जैसे ये होता है सॉरी चेस्ट से बोलता हूँ हिप्स से, ये इसका हिप्स है 30 इंच, तो 7.5 है इसका, जो क्या बोलते हैं 7.5 इसका ये होगा, क्या बोलते हैं चौथा पार्ट होगा, तो उससे 1 इंच अधिक 8.5, अरे 8.5 इस बिल्कुल इस प्रकार से इसको लेते हैं। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच इसका जो सामान्य जो बनता है ऐसा, इसका कोई लाजिक नहीं है, उसको कई प्रकार से पहन सकते हैं, लेकिन जो सामान्य कंडीशन में इसको 8.5 इंच इसको लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जो हिप्स है उससे उसके चौथाई से 1 इंच ज़्यादा है ना, ये लगभग इसका रहता है। और उसके बाद ये हो गया हिप्स। अब इसका हम नाप लेंगे हम कैसा है हिप्स, तो 7.5 है ये, और 1 इंच हम इसमें बढ़ा देंगे ये इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये हिप्स है, यहाँ से लेकर 22 इंच में हिप्स, ये 22 इंच पर मार्किंग है, तो इसमें क्या है 30 लिया हूँ, देखते जाइए ये 30 इंच है, उसके चौथे भाग में जो है ना डिवाइडेड बाय 4+1, ठीक है, ये हमने मार्किंग किया। अब उसके बाद ये कमर की मार्किंग होती है, ये कमर है, ये हमने 14 इंच पे लगाया कमर ना, कमर बहुत आसान है, कमर होता है 23 इंच कमर है, तो 1 इंच बढ़ा देंगे हम, 23 कितना होता है 5.25 इंच पर 23 आता है, इससे 1 इंच हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाता है 5.75 इंच, ओके। इसको भी हम सीधा खींच लेंगे। यहां पर जो होता है ये अपर चेस्ट से 1 इंच अधिक रहता है, 27 इंच इसका अपर चेस्ट है, तो हाई नेक में 27 कितना होगा 5.75, उससे 1 इंच अधिक 5.8, 5.8 पर इसका मार्किंग बेझिझक कर दीजिए, है ना। अब मैंने बस्ट पॉइंट क्यों कहा, बस्ट पॉइंट मैंने इसलिए बोला कि देखो 8.5 और 9 इंच है ना, इससे लगभग 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे है ना, तो समझ ले 11 इंच पर, मतलब बस्ट पॉइंट है, मतलब सिलाई छोड़कर नाप रहे हैं ना, उसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, उस पर हमें नापेंगे फुल बस्ट को। फुल बस्ट कितना है इसका 28 इंच, तो 7×28 होता है, तो सिर्फ आधा इंच उससे ज़्यादा लेंगे तो ये 7.5 इंच, इस प्रकार से इसको काटा जाता है, ज़्यादा नहीं काटा जाता इसमें, तो इस प्रकार से इसको काटते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, बस्ट पॉइंट है उससे 1.5 इंच अधिक, इस पर मैंने नापा है कितना है 28 इंच इसका है, 28 डिवाइडेड बाई 4+0.5 इंच, यहां पर क्या है 27 डिवाइडेड बाई 4+1 इंच, ठीक है। अब इसको हम आप मार्किंग कर लेंगे, ये इस प्रकार से इसकी मार्किंग ऐसे होगी, इस प्रकार से और ऐसे मिलाते जाएंगे, हो गया। अब इसके बाद हम इसका ये नहीं नाप लेने मिला देंगे, ये देखो शेप वगैरह ज़्यादा कम होता है वो बॉडी के हिसाब से आता है ना, नाप के हिसाब से आता है, ये अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये देखो इस प्रकार। अब जब इसमें हम सिलाई लाए जाएंगे तो इसको हम सही तरीके से कर लेंगे। अब देखिए ये तो 22 इंच पर कटिंग हो गया, अगर किसी को 18 इंच पर कटिंग चाहिए, ये 18 तो आप यहाँ पर 18 इंच लगा दीजिए, और यहाँ से आप इसको जितना भी आपका पैर होता है बिल्कुल सीध में इसको खींचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का मार्किंग हुआ है। अब बारी आती है जिसके लिए मैं चौक बदल रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ आए, ऊपर की तरफ यहां पर मैंने लिखा है क्रॉस बैक,
इस बारे में ज्यादा जानना है तो हमारे ब्लाउज मास्टर चैनल में भी प्रिंस कट का जो कटिंग चल रहा है या फिर उसको देखते रहिए, क्रॉस बाय कैसे निकाला जाता है उसको हम बताए हैं उस तार से। तो 6 इंच में 1 पॉइंट अधिक ये इसका क्रॉस बैक है, इसको लगा देते हैं ये इस प्रकार से। हमने इसमें लगा दिया क्रॉस बैक, एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, मैं इसको सफ़ेद में ही करता हूँ ये। अब शोल्डर है इसका 14 इंच, तो शोल्डर फुल वाला जो जिसमें हाई नेक कॉलर वाले में शोल्डर पूरा पूरा लिया जाता है, बल्कि उससे आधा इंच सिलाई के लिए जोड़कर, तो 14 इंच शोल्डर है तो ये हो गया 7.5, आधा इंच हमने लिया। अब इसके बाद इस क्रॉस बैक ऐसे तिरछा अंदर घुस जाए, ये एक्चुअली में क्रॉस बैक इसीलिए बोलते हैं कि हमें कितना तिरछा लेना है बैक में या कितना सीधा लेना है, ये अलग अलग चेस्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसका कोई ये नियम तो है, लेकिन इसको बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिटिंग के लिए। और जो ये हाई नेक का जो ब्लाउज है, एक प्रकार से बेसिक्स होता है, ये बेसिक इसलिए बोलूँगा कि इसमें आपको इतना हमें लूजिंग देना है हमें पता रहता है, ठीक है। तो हो गया, अब देखिए 2.25 इंच का हमें यहाँ पर गले का खोल खोलना है और इसके बाद शोल्डर को हम मिला लेंगे। ये एक प्रकार से हमारा बैक साइड की कटिंग हो चली है, सिर्फ इसमें हमें आर्म होल को बस इसको ये करना है निशान। अब देखिए यहाँ पर हाई नेक ब्लाउज में आर्म होल का इफेक्ट ऐसे नापा जाता है शरीर से 13.5, इससे अगर 1/2 इंच आधा इंच ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलता है। ये देखिए वैसे ज़्यादा होना ही चाहिए, 13.5 है तो ये 14 इंच आ रहा है, बहुत परफेक्ट कटा हुआ है कटिंग। तो इस प्रकार से ये पूरा हमने मार्किंग कर लिया है बैक पार्ट की, है ना, ये बैक पार्ट की मार्किंग है, इस पर हम पूरा बैक पार्ट काट लेंगे, ठीक है। ये हमने पूरा बैक पार्ट इसमें काट लेना है। अब इसको आपको फ्रंट पार्ट बनाना है, मैं कटिंग आखिरी में करूंगा इसको, आपको फ्रंट जैसे आपको बताता हूँ इसको, मैं दो कपड़ा एक साथ खराब नहीं कर रहा हूँ, हालांकि दो कपड़ा लिया हूँ लेकिन मैं खराब नहीं कर रहा हूँ आपको, ताकि अगले वीडियो में भी ये काम आए कपड़ा। तो मैं इसको पहले काट लेता हूँ आपको, ये देखिए हमने शोल्डर वगैरह, लेकिन हाँ ध्यान हमेशा ये रखें कि यहाँ पर हमें 1/4 इंच डाउन करना है, हाई नेक में सीधा 1/4 इंच डाउन करके कटिंग करना है, ऐसे ऐसे ये 1/4 इंच डाउन होगा, आधा इंच से थोड़ा सा 1/4 इंच कम, इस प्रकार से। अब ये हो गया हमारा बैक पार्ट का, सेम हम इस प्रकार से बैक पार्ट काटेंगे और ये कर लेंगे। लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे तो छोटा सा इसमें संशोधन रहता है, वो ये रहता है कि इसका सामने का जो रहता है इसको शोल्डर को और झुकाएंगे और इसका जो क्रॉस जो फ्रंट है इससे थोड़ा सा हम उसको बढ़ा देंगे। मतलब निश्चित रूप से बात है क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट में लगभग 1.5 इंच का अंतर आता है, ठीक है। इस अंतर को हम इस प्रकार से करेंगे, मतलब समझ लीजिए यहाँ से 1/2 इंच से कुछ ज़्यादा, 1/2 इंच से बिल्कुल कम मत रखिएगा, 1/2 इंच से कुछ ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हम ये करेंगे, ये काट लेंगे और इसको भी हम काट लेंगे। ये इस प्रकार से हो गया। अब इसमें आप गले में चाहे आप इस प्रकार से कॉलर वाला बनाएं, कॉलर वाला बनाने के लिए ज़्यादा मत काटे, 2 इंच से ज़्यादा यहाँ लो, यहाँ से करीब 2.5 इंच से ज़्यादा नीचे मत काटिए, मतलब ऊपर से अगर आप काटें तो 2.5 इंच और इसके बाद काटें तो 2 इंच। एक्चुअली में इसमें गला नाप कॉलर को नापना होता है, हमें कॉलर नाप कर ही चढ़ा जाता है, कम खाँचे ज़्यादा खाँच देंगे तो बड़ा बनेगा, क्योंकि उसका कॉलर जितना रहता है उस अनुपात से हम इसको बाद में उनको उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कल मैं बताऊंगा आपको बोट ने मतलब 3 इंच गला के, अक्सर ये गुजरात एरिया में बहुत चलता है, ज़्यादा ओपन गला नहीं चलता, इसलिए मैं उसको बताऊंगा कि 3 इंच ओपन वाली जो सूट बनती है उसकी कटिंग कैसे है। उसके बाद मैं ओपन नेक का क्रम से थोड़ी लंबी चलेगी, हम कभी हमें जल्दी नहीं है तो इसको सीखना है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी खुशी होगी, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।